रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु वंदन छात्र अभिनंदन समारोह धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष नवल किशोर वाजपेयी और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमिता खुबेले ने भारत विकास परिषद द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के संयोजक एवं विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने पूरे भारत में चलाए जा रहे गुरु वंदन कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताया। विद्यालय के सभी बच्चों को जीवन में नेक और संस्कारवान बनाए जाने के लिए डॉक्टर गीता कुमार द्वारा शपथ दिलाई गई। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ आराध्य सिंह का सम्मान किया गया, वहीं खेलकूद के क्षेत्र में रुद्र प्रताप सिंह का अभिनंदन किया गया। मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट भारत विकास परिषद में मैं गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का संयोजक हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ आपके स्कूल में? देखिए, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम जो है भारत विकास परिषद का बहुत मुख्य कार्यक्रम है और ये संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत आता है। यह कार्यक्रम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से पूरे देश में पूरे माह मनाया जाता है। हम लोग हर विद्यालय में जाते हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं, खास तौर से खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और उस विद्यालय का जो ऑलराउंडर छात्र होता है, लोकप्रिय छात्र, उसका सम्मान करते हैं और यह कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हम लोग राइजिंग चाइल्ड स्कूल, चूँकि मेरा अपना खुद का विद्यालय है, ये कार्यक्रम अपने विद्यालय में मैंने रखा था और भारत विकास परिषद की ओर से, भारत विकास परिषद के जो निवर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं राकेश मिश्रा जी, साथ में नवल किशोर वाजपेयी जी प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर अमिता खुबेले जी, डॉक्टर गीता कुमार जी, मनोज माहेश्वरी जी, राजा राम मौर्य जी, आप सभी लोग यहां पर आए थे और यह कार्यक्रम यहां पर राइजिंग चाइल्ड स्कूल में संपन्न हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।